लास्ट में पठानकोट की ओर से अध्यक्ष अशोक पांबा की अध्यक्षता में काली माता मंदिर में हैंड सैनिटाइजर मशीन को भेंट किया ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे और लोग भी सुरक्षित रहें। इस मौके पर पंडित देश बंधु उपस्थित थे जिन्होंने इस मौके पर क्लब का धन्यवाद किया और जिसकी जानकारी में प्रधान अशोक बांबा ने बताया। लायंस का मानवता की सेवा लई हर वेले अगे रहिंदी है, इसे कड़ी नूं लागू रखदे होया अज असी काली माता मंदिर अंदर हैंड सैनिटाइजेशन मशीन और सैनिटाइजर दिता है। अगे भी असी गौशाला दे विच और गुरुद्वारे च सैनिटाइजर दिते और मशीन दिती सी। अगों भी असी इदां दे प्रोजेक्ट होर करदे रहोंगे। मेरी सारयां नूं रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखो, हाथ साफ रखो, सोशल डिस्टेंस बना के रखो और कोरोना तो बचो। कोरोना बार बार आ रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं फिर दोबारा तो। मेरी हर बंदे नूं यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप नूं संभाल के रखो। जय हिंद जय लक्ष्मी। लायंस क्लब पठानकोट अपने प्रेजिडेंट लाइन अशोक बांबा जी की अध्यक्षता दे विच इस कोरोना के टाइम पर नए आयाम स्थापित करते हैं। अज असी काली माता मंदिर दे विच एक मशीन लगाई है ताकि, क्योंकि इत्थे भी लोग बहुत आते हैं, जिदा कि कोरोना हल तक गया नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर नूं, डीसी साहब नूं, एसएसपी साहब नूं एक बेनती करना चाहना कि लोग जिहड़े साडे है मास्क पा के शहरां दे बाजार विच नहीं घूमते। इस करके जिन्ना चिर इहदे तां सख्ती नहीं की गई तो लोगों ने मानना नहीं। इस करके मेरी बार बार डीसी साहब नूं, एसएसपी साहब नूं प्रार्थना कि थोड़ी जी सख्ती करो ताकि असी कोरोना नूं इस शहर चो कम से कम दूर कर सकीए। बाकी असी बंधु जी दे बहुत धन्नवादी हैं कि सानू बंधु जी ने इत्थे सेवा करन दा मौका दिता। जय हिंद। मनुष्य शरीर धारण करने का एक ही लक्ष्य है कि प्राणी के द्वारा सुकृत हों, पुण्य कार्य हों। भूखे को अनाज देना ये भी एक पुण्य कार्य है, प्यासे को जल पिलाना ये भी कार्य है, पुण्य कार्य है। वस्त्रहीन को वस्त्र, हमारे यहाँ 10 महादान लिखे हैं, उसी के लक्ष्य में उसी सिद्धांत को अपनाते हुए इन्होंने भी हमारे काली माता मंदिर के बीच में एक वो मशीन दी है और ताकि प्रत्येक प्राणी जो भक्त मंदिर के अंदर जाएं वो हाथ धो करके जाएं। हे करुणामयी माँ, हे दयामयी माँ, हे भक्त बत्सला, इस समय विश्व में फैली हुई महामारी को और रोग मुक्त होकर के अपना जीवन व्यतीत कर सके, हे माँ, हमारी सभी की आपके आगे यही प्रार्थना है।